प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम बहुल आवेशों के बीच विद्युत बल की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको कूलाम का नियम याद करना है। तो कूलाम का नियम क्या था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती था तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यह आपने पढ़ रखा है। इसका जो डेरिवेशन हम लोगों ने निकाला था वो आया था एफ बराबर एक बटा चार पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ठीक, यह आप लोगों को याद होना चाहिए। आपको यह पता है कि दो आवेश अगर आपके पास हो और आपको विद्युत बल निकालना हो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि आपके पास दो से अधिक आवेश आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, मान लो n आवेश आपके पास हो, तो आप विद्युत बल कैसे निकालेंगे? तो हमें समांतर चतुर्भुज नियम कक्षा 11वीं में पढ़ा था। समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार आप लोग किसी भी सदिश का परिणामी सदिश निकालते थे। परिणामी सदिश निकालने के लिए इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते थे, 2ab cos थीटा, या फिर अगर इसके साथ आपको डायरेक्शन निकालनी होती थी तो आप लोग यूज करते थे b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये और आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो बहुल आवेशों के लिए हम विद्युत बल निकालने से पहले समांतर चतुर्भुज नियम हमारे दिमाग में आना चाहिए क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता लगेगी। वो कैसे करेंगे तो वो आप समझते हैं। शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने मैंने आवेश ले लिए हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं काम करता हूं कि मेरे पास जो है एक क्यू वन आवेश है और दूसरा मेरे पास Q2 आवेश है। दो आवेश होते हैं। अगर केवल दो आवेशों की चर्चा होती तो आप जो कि पहले पढ़ चुके हैं, आप ऐसे निकाल लेते F12 और F21 और आप लोग इस फार्मूले का यूज करके इनके बीच में बल निकाल लेते। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने क्या करा कि अभी हमारे पास तीसरा आवेश भी आ गया है जिसे हम लोग Q3 बोल रहे हैं। जैसे ही Q3 आवेश आता है तो हमने इसके महत्व में एक चीज पढ़ी थी कि भाई इसके इंडिविजुअल जो बल है, इधर जो बल लग रहा है, इधर जो बल लग रहा है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर परिणामी बल पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा इस Q1 के। तो चलो वो परिणामी बल हम लोगों को निकालना है और एन आवेशों के लिए निकालना है। तो हमें ये चीज याद होना चाहिए कि इस Q1 पर, इस Q2 के कारण जो बल लग रहा है, ये Q1 पर Q2 के कारण बल क्या लगेगा, F12। पहले पर दूसरे के कारण बल और तीसरे के कारण पहले पर बल, पहले पर दूसरे के कारण बल और पहले पर तीसरे के कारण बल। ठीक, ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं, इस पर लग गया ये पहले पर तीसरे के कारण F13। ठीक है, लिखा हुआ है छोटे अक्षरों में, आपको दिख रहा होगा। अब ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं तो इन दोनों का यहां से हमने क्या निकाल लिया, परिणामी सदिश निकाल लिया। समांतर चतुर्भुज नियम याद करिए। समांतर चतुर्भुज में हमें यह जानकारी है कि जब भी सदिश की दोनों की जो पूंछ है, टेल है, उसको मिलाते हैं तो उसका जो परिणामी सदिश है उनके कटान बिंदु से होकर जाता है, डायगोनल की तरफ जाता है, विकर्ण की तरफ जाता है। ठीक, समझ में आई होगी आप लोगों को बात। तो इसका परिणामी सदिश यहां से निकलेगा, ये वाला इनका परिणामी सदिश है जिसको यहाँ एफ वन दिया गया है। तो हमें यह पता चला कि किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण जो बल लगते हैं, अलग अलग जो बल लगते हैं, उन बलों का अगर टोटल कर लिया जाए, सदिश फॉर्म में है F12 और F21, टोटल कर लिया जाए तो वो उनके परिणामी बल के बराबर होगा, जो कि मैंने यहां पर क्या ले रखा है F1। तो यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, बहुल आवेशों के लिए आप लोगों से एक टर्म और आ सकती है कि अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही हो गया, क्या हो गया कि कई बिंदु आवेश द्वारा अकेले बिंदु आवेश पर, अब कई बिंदु आवेश दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो मैंने यहां दो का उदाहरण देके बताया। तो कई बिंदु आवेश द्वारा अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल, कुल बल ये आपका मैंने बताया एफ वन, कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा, ये द्वारा गलत छप गया है, तो अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग जो बिंदु आवेश हैं उन पर जो बल लग रहा है
उनका जो सदिश योग होता है उसके परिणामी बल के बराबर होता है, यही बहुल आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है। समझते हैं इसको आगे, तो हमें क्या क्या याद रखना है इसको समझने के लिए, तो हमें याद होना चाहिए एक तो समांतर चतुर्भुज नियम जो हम कक्षा 11वीं में पढ़ते थे, और एक कुलाम का नियम जो कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यही चीज लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्लियर हो गया कि किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण अलग अलग जो बल लगता है उन बलों का जो सदिश योग होता है उसके परिणामी बल के बराबर होता है। ये बहुत सरल भाषा में आप समझ। तो बच्चों यहां पर एक आवेश Q1 है और यहां पर एक आवेश Q2 है और यहां पर एक आवेश Q3 है, तो इस Q1 पर इस Q2 के कारण बल लगा F12। तो हमें यह पता कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल किससे निकालेंगे बच्चों? इसको कुलाम के नियम से, और कुलाम के नियम का सदिश रूप F12 ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक। तो F12 वेक्टर फॉर्म भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में, जरूर देखिएगा। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहां एक चीज और करते हैं, ये हो जाएगा R12 का स्क्वायर। R12 क्या है? पहले भी ये भी मैंने पहले वेक्टर फॉर्म में बताया कि भाई हमें डायरेक्शन देखनी, इसकी डायरेक्शन किधर है? दो से एक की तरफ। तो दो से एक को इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, यहां आर कैप आ जाएगा। ये आप लोगों का हो गया एक इक्वेशन। फिर मैं यहां लिखूं कि Q2 आवेश पर Q3 के कारण लगने वाला बल, ठीक। तो Q3 के कारण लगेगा F13, 13 यानी कि पहले पर तीसरे के कारण बल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और Q2 की जगह अब क्या आ जाएगा? Q3। डिस्टेंस इनके बीच की क्या हो जाएगी? R13। अब इस R13 को कैसे पढ़ना है? तीसरे से पहले की तरफ। ये हो गया बच्चों R13 का के, इसको दे दिया इक्वेशन से के। अब आपको इसका परिणामी बल चाहिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई अनेक आवेशों के कारण जो अलग अलग बल लगते हैं उन अलग अलग बलों का जो सदिश योग होता है उसके परिणामी बल के बराबर होता है। बच्चों यदि आप इसके लिए निकालना चाहेंगे, केवल दो ही आवेश और हमें निकालना हो, तो पहले तो आप इसको यहां पुट कर दें, R12 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R13 स्क्वायर। ये आप ऐसा कैसा पुट कर दें, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मना सकता है। पर अगर यही स्थिति है तो समांतर चतुर्भुज नियम आप कैसे लगाएंगे? तो ये दो आवेश होते हैं, ठीक है, तो उन दो आवेशों के लिए ये एंगल आप लोगों को देखना रहता है कि ये एंगल आपका कितना है, और उसके अनुसार फिर आप फोर्स की वैल्यू, ये जो फार्मूला होता है F1 स्क्वायर, यहाँ पर F12 है तो F12 स्क्वायर, F13 स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू 2F13, और यहाँ पर cos थीटा। ये एंगल हमें पता होना चाहिए कि ये एंगल आपका कितना है, ठीक है। तो ये स्थिति है, इस सूत्र से निकाला जा सकता है। अगर ये तो मैंने यहाँ पर केवल एग्जाम्पल लिया कि भाई अब दो ही आवेश हैं तो आप लोग इस प्रकार से निकाल लेंगे। अगर आपके पास n आवेश हैं तो करना वही है कि भाई हमने F13 निकाला, F12 निकाला, इस प्रकार से हम लोग Fn तक के लिए भी निकाल सकते हैं। तो n आवेश हो तो इस प्रकार का हमारा डायग्राम बन गया कि भाई Q1 के कारण लगेगा, फिर Q2 के कारण लगेगा, फिर Q3 के कारण लगेगा, इस प्रकार से उसके ऊपर अनेक बल लगने वाले हैं, ठीक। तो देखो ये Q2 से इस Q1 पे लगा, तो अपन ने लिखा ये F21, फिर इधर Q1 पर इधर, ये टोटल रिजल्ट इन सबका F1 है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर मुझे n आवेशों के लिए लगेगा तो n आवेश Q1 Q2 Q3 एंड Qn पर जो परिणामी बल है वो निकालना है, तो वो आपका परिणामी बल हो जाएगा n आवेशों के लिए। हमने अभी वैल्यू रखी थी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
वन क्यू टू बाय आर वन टू स्क्वायर, और यहाँ आया था आर वन टू के प्लस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ आया था क्यू वन क्यू थ्री बाय आर थ्री स्क्वायर, ये हो जाएगा आर वन थ्री, फिर आगे बढ़ा के इसको हम लिख सकते वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू एन बाय आर वन एन, क्योंकि एन तक जाएगा ये, और ये हो जाएगा आर वन एन। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एन आवेशों के लिए, और इन सब में से आप क्या निकाल लेंगे, ये इसको कॉमन निकाल लेंगे, और क्या कॉमन आ रहा है, क्यू वन भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्यू टू बाय आर वन टू स्क्वायर वन सॉरी क्यू थ्री बाय आर वन थ्री स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आर वन थ्री क्यू एन बाय आर वन एन, ये आर वन एन हो गया। देखो बच्चों, आपको बहुत सरलता से इस चीज को समझा जा सकता है। अगर मैं इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखूं, यानी इनका एडिशन के फॉर्म में लिखूं, सिग्मा, अब ये इसको मैं आई को टू लेके चलूंगा, यानी कि दो से शुरुआत हो रही क्यू टू भी, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आई बाय आर वन आई स्क्वायर, कहाँ तक जाना है, एन टर्म तक। तो अगर हम इसे रिजल्टेंट के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में। आपको याद होना चाहिए समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसी की सहायता से ये हम लोग इसके न्यूमेरिकल कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। करके देखते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करके आपको बताता हूं। तो शुरुआत में सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल मेरे पास है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, और आवेश पर बल के परिमाण की गणना कीजिए। ठीक है, हमारे पास ये ट्रायंगल आप लोगों को इसने दे रखा है, ए पॉइंट पर 9q है, बी पॉइंट पर माइनस क्यू है, और सी पॉइंट पर 16q है, और हमें कहां निकालना है, तो हमें इस बी पॉइंट पर क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है। तो परिमाण निकालना है बल का, तो ये प्लस है, देखो ये प्लस 9q है और ये प्लस 16q है, और वो वाला माइनस है। ठीक है, अब आप इस पर निकालना चाह रहे हैं, इसके कारण तो प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है, ये बात सही है। इस q1, इस q माइनस q पर निकालना है, तो ये जो c पर जो q है वो इस माइनस q को अपनी तरफ बुलाएगा, ये बोलेगा आजा, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं FBC, ठीक। फिर इस पर भी यही स्थिति बनेगी, क्योंकि ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका FBA, ये दो चीजें, ठीक, सरलता से हमने ये चीज निकाल दी। अब हमें इन दोनों का परिणामी बल निकालना है। अच्छा, एक चीज और देखें, पहले अपन FBA और ये निकाल लेते हैं। तो परिणामी बल निकालने का तो सामान्य सा नियम है, जो आपको समांतर चतुर्भुज नियम से मिल जाएगा। समांतर चतुर्भुज नियम में क्या है, परिणामी बल इन दोनों की जो पूंछ होती है उनके कटान बिंदु से होकर, पूंछ यानी कि टेल, जहां टेल मिलती है वहां से एक कटान बिंदु से होकर एक आप डायगोनल एक विकर्ण बना दे, वो विकर्ण ही आपका परिणामी बल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं यहां लिखूं कि माइनस क्यू पर 16q के कारण बल, के कारण बल, प्यारे विद्यार्थियों यहां आएगा एफ बी सी, ठीक। इसमें क्योंकि कोई डिजिट दी नहीं है, तो मैं के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में ही इसको ले रहा हूं। तो के क्यू वन की जगह हमारे पास है क्यू, और क्यू टू की जगह हमारे पास है 16q डिवाइडेड बाय, तो आर का स्क्वायर, दूरी निकालना है, और चूंकि हमारे पास बी सी की दूरी नहीं है, जो कि हम इसमें देखेंगे ध्यान से, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ये लंब वाली भुजा यानी BC वाली भुजा हमारे पास नहीं है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण पर वर्ग लंब पर वर्ग धन आधार पर वर्ग। प्यारे विद्यार्थियों, कर्ण आपके पास क्या है, AC यानी कि 5A का स्क्वायर, लंब हमारे पास BC का स्क्वायर, प्लस आधार हमारे पास हो जाएगा 3A का स्क्वायर, ठीक।
तो ये हो गया आपका 25 ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 9 स्क्वायर इधर ले लेंगे भैया। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बी सी इज इक्वल टू 25 में से 9 क्या हो जाएगा 16 ए स्क्वायर, तो यहां से आया 14 ए सॉरी 4 ए है ना, तो 16 ए स्क्वायर से यानी 4 का वर्ग 16, 4 ए आ जाएगा, यानी कि अब हमारे पास 4 ए का वर्ग आ जाए। ठीक, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा q1 q2 q में q का इनटू, ये हो जाएगा 16 q वर्ग बटे 4 का वर्ग 16 a वर्ग, 16 से 16 कट गया तो k q वर्ग बटे a वर्ग, ये f बी सी आया, यानी इसके बीच में लगने वाला बल हमने निकाल लिया। फिर माइनस q पर 9 q के कारण बल, माइनस q पर 9 q के कारण बल, तो ये हो जाएगा। अब आप लोगों का ये निकाल रहे हैं अपन, तो अभी अपन ने जैसे BC निकाला उसी प्रकार से हम लोग निकाल रहे हैं एफ बी ए, ये हो जाएगा के क्यू 9 क्यू क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, इसका 3 ए आपको दे रखा है, तो क्या हो जाएगा के 9 क्यू स्क्वायर बाय 9 ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा आया है। ठीक, अब हमें मुख्य चीज निकालनी है परिणामी बल। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, अगर ये समांतर चतुर्भुज नियम का हम लोग पालन करें तो परिणामी बल जो है इनके कटान बिंदु से होकर जाएगा, और इसको मैं मान लो एफ वन दे दूं, चूंकि दोनों का परिमाण इक्वल है ना, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आप कोस 90 करते हैं तो आपका वो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है बी स्क्वायर हो जाता है, तो आपका जो परिणामी बल है वो हो जाएगा एफ बी सी स्क्वायर प्लस, इसकी जगह भी मैं बी सी ही रख रहा हूँ बी ए की जगह की, क्योंकि दोनों का मान क्या है बराबर है, तो एफ बी ए का स्क्वायर, ये मैं यहाँ पर सॉरी बी सी का स्क्वायर है ना, बी ए की जगह भी क्या रख रहा हूँ बी सी ही रख रहा हूँ, तो एफ बी सी बराबर एफ बी ए, और क्यों, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है। ये हो गया बच्चों 2 एफ बी सी स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा तो एफ बी सी रूट 2 आ जाएगा, और एफ बी सी की जगह हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये आपका रूट 2 ऐसा का ऐसा। ये आप लोगों का क्या निकल आया, परिणामी बल निकल आया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 5 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम और माइनस 10 माइक्रोकुलाम के 3 आवेश 5 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के सिरे एबीसी पर रखे गए हैं, सिरे ए पर स्थित परिणामी बल की बल एवं उसकी दिशा की गणना कीजिए। यहाँ पर दिशा भी आप लोगों को निकाल लें, घबराना नहीं, समबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले हमारे पास जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हमें बना लेना, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज मैंने आपके सामने, ठीक, ये समबाहु त्रिभुज है एबीसी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ठीक, प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, और इस सिरे ए पर हमें परिणामी बल और उसकी दिशा भी निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुरुआत करेंगे तो यहां आपका होगा प्लस 5 माइक्रोकुलाम, यहां आपका होगा बी पर प्लस 10 माइक्रोकुलाम, और यहां होगा सी पर माइनस 10 माइक्रोकुलाम। अगर मैं इनको अलग अलग बोलूं कि एक को क्यू वन मान के चलो तो 5 माइक्रोकुलाम, और आप इसको चेंज कर दीजिएगा माइक्रोकुलाम का कुलाम में, तो 5 × 10⁻⁶ माइक्रोकुलाम। इसी टाइप से फिर Q2 की चर्चा करें तो प्यारे विद्यार्थियों Q2 हमारे पास जो है 10 माइक्रो कूलाम है, इसको भी चेंज करें तो 10 × 10⁻⁶ कूलाम। इसी टाइप से Q3 को जो कि आपका माइनस 10 है, इसको भी सेम प्रोसेस, ये वाला हो गया। फिर आपको दूरी दे रखी है सभी के बीच की जो 5 सेंटीमीटर है, और आपको ये भी सिखाया मैंने कि भाई सेंटीमीटर में हमें नहीं हल करना है, हमें मीटर में करना है, एसआई पद्धति में करना है, 5 × 10⁻²⁰ मीटर।
ठीक, ये सारे आवेश हमारे पास आ गए। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमें इस बिंदु पर ए पर परिणामी बल की दिशा निकालनी। अब थोड़ा सा देखेंगे, ये आपका ए वाला बिंदु और सी वाला बिंदु, ए पर आवेश प्लस में है और बी पर माइनस में है, और हमें निकालना है ए पर। तो इस ए पर सी के कारण जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, क्योंकि इनमें आकर्षण बल लगेगा। ठीक, उसी प्रकार से इस बी की चर्चा करें, तो इस ए और बी के बीच में दोनों ही आवेश क्या है, धनात्मक है, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसीलिए इस ये बी जो है इस ए को उधर यानी बाहर की ओर धक्का लगाने वाला है। इनको मैं अलग अलग नाम दे दूं, इसको मैं F1 बल दे दूं और इसको मैं F2 बल दे दूं। ठीक, अब आपको F1 निकालना है या फिर F2 निकालना है, दोनों ही निकालना पड़ेगा। तो आप थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो F1 F2 का मान बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो, A और B पर जो आवेश वही वही है, 5 कूलाम और 10 माइक्रो कूलाम। A और C पर भी देखो, 5 माइक्रो कूलाम और -10 माइक्रो कूलाम। क्योंकि हमने कूलाम बल में क्या पढ़ा था, परिणाम की बात कर रहे हैं हम लोग, F बराबर KQ1Q2/r², और जो अपन KQ1Q2 लेते हैं उसका परिमाण लेते हैं। ठीक, हम यहाँ पर प्लस माइनस का यही मतलब है कि केवल वो क्या बताती हैं, दिशा बताते हैं। तो इसका मतलब F1 और F2 का परिमाण जो है वो एक जैसा आने वाला है। जो किसी एक का निकाल लेंगे तो दूसरे का इजीली आ जाएगा। तो हम लोग निकाल लें, तो बिंदु ए पर 5 माइक्रो कूलाम आवेश पर 10 माइक्रो कूलाम के कारण लगने वाला बल। तो एफ बराबर 1/4 πε₀ Q1Q2/r², और इस जो Q 9×10^9 लिखते हैं इसको, 1/4 πε₀ को, ये सूत्र मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, हल करने में थोड़ी आसानी। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9×10^9। Q1 का मान है हमारे पास 5 माइक्रो, यानी 5×10^-6, और Q2 का जो मान है 10×10^-6 डिवाइड में है 5×10^-2। हालांकि कैलकुलेशन आप लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊं। तो ये क्या है, 9×, तो अब यहाँ देखो ये 10 की पावर में चली जाएगी, 10 की घात क्या हो जाएगी, -6 -6 -12। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 9×10^9। अपने पास है 5×10^-6 और -6×1×10, और हमारे पास डिवाइड में जो 5×10^ था तो उसको अपन ने 25×10^-, क्या कर लिया, 4 कर लिया। देख लें एक बार, ये 5×10^-6 इसका वर्ग कर लिया। ठीक है, तो ये स्टेप इधर आ गई। अब तो कैलकुलेशन है सामान्य सा, तो 9×5×10, 10 की घात हो रही थी ये -12, +9 और नीचे से +4 ऊपर चला गया, डिवाइड में बचा 25, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 टाइम 5 बार चला जाएगा ऊपर, ये 90, तो ये हो गया। गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर एक ये हो गई 10 की घात 1, क्योंकि आप देखेंगे ये हो रहा -12 और ये हो गया 9 और 4 13, 13 में से एक अपना कम हो गया 10/5, ये आ गया 900/5, 5 एकम 5, बचे कितने यहाँ से 4 5 8 40। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा F1 है, ये अपन ने पहले वाला निकाला है, तो F1 जो हमारे पास आया है वो आया 180 न्यूटन। इस पर चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि जो F1 होगा वो F2 के इक्वल होगा, कि F1 F2 के मान इक्वल होने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझते। हमें निकालना है कुल मिलाकर परिणामी बल, और चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होता है वो आपका 60 डिग्री का,
अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो एक रेखा के साथ 180 का बनता है, देखो अनुमान लगाना सिखा रहा, तो 180 में से 60 निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 120। तो इन दोनों के साथ जो बनने वाला कोण है वो 120 डिग्री का है। ठीक, अब यहां पर अपन को परिणामी बल निकालना है, तो इसके लिए आपको वही रूल लगाना है जो एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ वन एफ टू इक्वल है भैया, तो एफ वन का स्क्वायर, ठीक, फिर यहां पर एफ टू की जगह भी एफ वन का स्क्वायर, फिर 2ab होता है तो f1 into f1 यानी 2 f1 square cos थीटा का मान कितना 120। तो प्यारे विद्यार्थी 120 का मान होता है माइनस 1 बटा 2, 2 f1 वर्ग प्लस 2 गुणित f1 का वर्ग माइनस 1 बटा 2, इस 2 से 2 कट गया तो ये हो गया आपका 2 f1 square माइनस f1 square, ये आया अंडर रूट में f1 square is equals to f1। तो बच्चों परिणामी बल जो है वो लगेगा आपका 180 न्यूटन, जो बल हमारा फाइनल लगने वाला है वो 180 न्यूटन का इस पर बल लगने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज हमें इसका एंगल भी निकालना, ये परिणामी बल हमने जो निकाला है 180 न्यूटन का, अब एंगल निकालना, इसको मैं ले लेता हूँ बीटा, ये छोटा एक कोण यहाँ पर ले रहे हैं ये वाला, तो ये हो गया बेटा। अब अपन कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो सूत्र था वो ये था, टेन बीटा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, चूंकि दोनों ही हमारे पास 180 है, 180 साइन 120 बटे 180 प्लस 180 कोस 120 बराबर 180 गुणित साइन 120 का मान सोचो रूट तीन बटा दो, 180 प्लस 180 गुणित कोस 120 का मान माइनस एक बटा दो होता है बच्चों, कैंसिल करेंगे 90, इसमें से माइनस कर लोगे 90 और ये भी आ जाएगा 90, तो 90 रूट थ्री डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि ये माइनस 90 हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस कर देना, तो प्यारे विद्यार्थियों आंसर आएगा फाइनल रूट थ्री, टेन बीटा बराबर रूट थ्री। तो टेन बीटा अगर आप निकालना चाहें तो रूट तीन टेन में किसका मान होता है, तो टेन 60 का होता है। ठीक, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी कि भाई ये इससे साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसके पैरेलल आया, बीसी के समानांतर होगा, बीसी के समानांतर। इसके आपका क्वेश्चन है, एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर धनावेश क्यों रखा हुआ है, तो एक वर्ग है आपके पास और इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर धन क्यों आवेश रखा हुआ है, हर एक कोने पर जो आवेश है अपन ले लेते हैं ए बी सी डी, प्रत्येक कोने पर आवेश कितना है आपका, यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू और यहां पर भी क्यू, प्रत्येक कोने पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। हालांकि हमें सब कोनों पर निकालने की जरूरत नहीं, किसी एक पर निकालेंगे तो वो सभी कोनों पर वही होगा परिमाण, क्योंकि सब जगह के आवेश क्या है, समान है, इसलिए हमें पहली चीज तो सभी पर अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एफ ए पर जो होगा वही एफ बी पर होगा, एफ सी वही होगा और जो एफ डी भी वही होगा, प्रत्येक पे जो बल लगेगा वो एक समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। नंबर, अब हमें इस ए पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है, तो सबसे पहले ए पर, अब बिंदु डी पर जो आवेश है उसके कारण बल लगेगा ए पर, तो अपन इसे बोल देंगे एफ एडी, बिंदु ए पर जो बी वाला इसके कारण बल लगेगा उसे हम बोल देंगे एफ ए बी। ठीक, दो बल तो ये लग रहे हैं, एक बल और कहां से लगेगा, जो विकर्ण के कारण लगेगा, यानी कि इधर से देखेंगे ये विकर्ण है आवेश, इस विकर्ण के कारण जो परिणामी बल लगेगा उसको अपन बोल देंगे एफ ए सी। ठीक, हमें जो निकालना है वो निकालना है एफ, अब एफ इन तीनों का परिणामी बल निकल आएगा, तो पहले सबसे पहले अपन एफ ए बी एफ ए डी की बात करें तो एफ ए बी और एफ ए डी भी समान होंगे, क्योंकि क्योंकि ये वर्ग हमने लिया है
और हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, एक समान होती है, पर वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो भुजा गुणित रूट दो होती है, तो एल रूट टू मैंने यहां पर लिख दिया। तो आप लोगों को ये दिख रहा है कि ये जो भुजा है, ठीक है, इसकी लंबाई अलग है उन दोनों की तुलना में, तो जो एफ एसी है इसका परिमाण निकालना अलग अलग से निकलेगा, बट एफ ए बी और एफ ए डी का एक समान आएगा क्योंकि इनकी दूरी समान है और आवेश भी समान है। तो एक और कहानी हमें पहले से क्लियर हो गई कि एफ ए बी और एफ ए डी क्या है, एक समान, ठीक, ये चीज हो गई। अब हम निकाल लेते हैं बिंदु ए पर रखे आवेश पर, बिंदु डी पर रखे आवेश के कारण, बिंदु डी पर रखे आवेश के कारण लगने वाला बल, और वो बल हो गया आपका एफ ए बी, अच्छा डी पर निकाल रहे हैं तो एफ ए डी निकाल लेंगे, एफ ए डी फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू वन क्यू टू की जगह हम दोनों जगह क्यू क्यू लिख देंगे, आर यानी कि एल स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो ये दोनों ही बल हमारे पास एफ ए बी और एफ ए डी आ गए। अब इस एफ ए बी और एफ ए डी का जो परिमाण है यानी परिणामी जो सदिश हैं बल हैं वो इधर लगेगा, जिसको मान लो मैं एफ वन दे देता हूँ, ठीक। तो इन दोनों का परिणामी बल निकालना है, तो परिणामी बल एफ ए बी और एफ ए डी का, तो इन दोनों का परिणामी निकालते हैं, तो दोनों एक समान है तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, 90 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों इक्वल है तो ए डी की जगह भी मैं ए बी लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा 2 एफ ए बी स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट एफ ए बी, और एफ ए बी और एफ ए डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास अवेलेबल है, वो क्या निकाल ली हमने, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है। अब मुख्य चीज हमें निकालनी है वो ये है, अब ये देखो एफ ए सी की डायरेक्शन और एफ वन की डायरेक्शन दोनों की क्या आ गई, एक जैसी आ गई डायरेक्शन। तो हम बात करें बिंदु ए पर परिणामी बल, इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे, यानी एफ ए पर निकाल रहे हैं तो एफ ए इज इक्वल टू एफ ए सी प्लस एफ वन, तो एफ ए सी हमारे पास है के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की जगह सॉरी एफ ए सी अभी निकालना है अपने पास, तो एफ ए सी अपन कैसे निकालेंगे, देखो एफ ए सी पहले निकाल लेते हैं, माफी चाहता हूं, तो एफ ए सी निकालने के लिए आपने क्या करना है, वही ये जो बिंदु है C के कारण A पर लगने वाला बल, तो C के कारण A पर लगने वाला बल, तो F ऐसे निकल आएगा, तो वो क्या होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, R की जगह हमारे पास जो है कितना है, ये देखो भुजा गुणित रूट टू एल रूट टू है, तो यहां पर आप एल रूट टू पुट कर दीजिए, तो विद्यार्थी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, टू एल स्क्वायर हो गया। अब हमें जो परिणामी बल के लिए हम यहाँ निकाल रहे थे कि एफ ए इज इक्वल टू एफ एस सी प्लस एफ वन, तो परिणामी बल एफ ए इज इक्वल टू एफ एस सी की वैल्यू है के स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर प्लस ये वाली जो वैल्यू है एफ वन की जो वैल्यू है वो ये है के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर रूट टू, तो यहाँ रख देंगे के
स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रूट टू, इसमें से के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो 1/2 प्लस रूट टू आ जाएगा। आप चाहे तो इनकी वैल्यू रख दें, आप आगे सॉल्व करने के इच्छुक हैं तो ऐसा कर सकते हैं। ये हो जाता है 0.5 प्लस 1.414, है ना, सॉरी 1.414, इसकी वैल्यू होती है रूट टू की, इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 1.9 आसपास ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का है, ठीक, एनसीईआरटी से लिया गया है। इसने कहा गया 3 आवेश Q1 Q2 हैं, पर विचार करना है प्रत्येक Q के बराबर है। Q1 Q2 Q3 की वैल्यू हमारे को दे रखी जो Q के बराबर है और भुजा की लंबाई हमें L दे रखी है, ठीक। त्रिभुज के केंद्रक पर हमें क्या निकालना है, क्यू आवेश स्थित है और उसके लिए हमें परिणामी बल पर विचार करना है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो चर्चा करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल ले लेते हैं, अब एक ये आपका त्रिभुज, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। डायग्राम आपका ऑलरेडी बना हुआ है पर हम लोग समझने के लिए बना रहे हैं। इसमें ये है ए, ये है आपका बी और ये हो गया सी, और सभी क्यू हैं, यानी हमारे पास ये गिवन है कि Q1 Q2 Q3 इज इक्वल्स टू क्यू, और भुजा की लंबाई हमें दे रखी है, भुजा दे रखी है L, ठीक। और हमारे पास यहाँ पर Q एक आवेश है जहां हमें परिणामी आवेश ज्ञात करना, ठीक है। अब इस Q आवेश के कारण, है ना, इस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर देखना है, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि इस तरह से बाहर की तरफ लगेगा। इसको दूसरे नंबर का बोल दो तो F2, और इसके कारण इस पर जो लगेगा वो तीसरे, मान लो बी है तो ये वाला अपन मान के चले F3, और इस आवेश के कारण इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो आपका F1 होगा, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, कोई समस्या वाली बात नहीं। समबाहु त्रिभुज है इस वजह से इसका जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का, ठीक, प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का हो गया, यहां भी कोई समस्या नहीं। अब हमें जब इस बिंदु पर परिणामी बल निकालना है, तो जब आप F2 निकालोगे तो हमें इस दूरी की जरूरत पड़ेगी, जब आप F1 निकालोगे तो हमें इस दूरी की जरूरत पड़ेगी, और जब आप F3 निकालोगे तो इस दूरी की जरूरत पड़ेगी। इसे O बिंदु दे दें, यानी हमें जो रिक्वायरमेंट है वो OA, OB और OC की जरूरत है। और सममिति से हमें पता है, सममिति के अनुसार ये तीनों ही दूरियां बराबर होती, तो अब हमारा लक्ष्य है कि ये तीनों दूरियां हम लोग निकाल लें। तो अब इन्हें निकालने के लिए हम क्या करें, प्रयास करते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं। आप इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें, ये वाली लाइन जो बीच की है इसे मैं AD दे रहा हूँ, और आप AB वाली ले लें या ACL, तो ये देखें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप या तो इसमें क्या करें, क्योंकि ये भुजा की लंबाई आपके पास L है, ये की L है, तो इसको अब L/2 और इसको L/2 करके यहाँ आप सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। तो पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे तो ये आपका एक प्रकार से जो है लंब निकालना है, तो कर्ण का वर्ग माइनस आपको जो गिवन है वो एक और है, आधार का वर्ग तो L^2/4 बराबर AD का वर्ग, पाइथागोरस डायरेक्ट लगा के बता रहा हूँ, तो 4L^2 में से चला जाएगा तो 3L^2/4 बराबर AD का वर्ग, वर्ग हटा देंगे तो √3L/2 ये आ जाएगा, ये आपका AD है। AD निकालने का एक तरीका और है, वो क्या है, तो AD बराबर, अब ये भुजा निकालने, तो इस AB के क्या कर दो, दो कंपोनेंट कर, ये आपका, ये जो है आपका 60 डिग्री है, आप ये 60 डिग्री है और ये 60 था, तो इसका ये हो गया 30 और ये हो गया 30। अब इस AC के दो कंपोनेंट, AB के दो कंपोनेंट करेंगे
तो एक वाला कंपोनेंट तो इधर जाएगा और दूसरा इधर चला जाएगा। तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो हो गया ए बी कोस 30। ए बी हमारे पास एल है और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये भी एक तरीका है एडी निकालने का, एडी भी आ गया। पर हमारा टारगेट है ओए ओबी और ओसी निकालना है। तो आप जब ओए ओबी ओसी देखते हैं, ये वाली भुजा जब एडी की बात करते हैं, भुजा कौन सी? एओ वाली। और हम जानते हैं कि जो ये केंद्रक जो एडी वाली भुजा है ये 2:1 में विभाजित होती है। ठीक, तो 2:1 में विभाजित होती है और हमें एओ वाली चाहिए, तो 2 तो हो ही गया और 2+1 3, 2/3 एडी कर लेंगे। और 2/3 एडी कर लेंगे तो 2/3 × L√3/2। 2 से 2 कैंसल, √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो ओए हैं, जो ओबी हैं और जो ओसी हैं, उसकी वैल्यू आ गई L/√3। अब हमारे पास भुजाओं की लंबाई आ गई है। अब तो बहुत सरल हो गया है कि अपन F1, F2, F3 का मान निकाल लें। तो करते हैं प्रयास। तो चलो F1 निकालने का प्रयास करते हैं या F2 निकालने का प्रयास करते हैं और फिर F3 निकाल लेंगे। तो एक और चीज समझ लो कि जो यहां पर आवेश क्यों है, इसकी दूरी और इसकी दूरी समान है, आवेश भी एक समान है, तो जो बलों की मान आने वाले हैं वो एक जैसे आने वाले हैं। आप जो भी निकालोगे उसका आंसर एक जैसा आएगा। तो एक निकाल लेते हैं कोई सा भी और बाकी सब उससे आ जाएगा। तो बिंदु बिंदु ओ पर बिंदु ए के कारण बल, तो क्या हो जाएगा ये F1 = यहां हो जाएगा हमारे पास 1/4 πε₀ Q1 Q2 यानी Q Q, एक Q ये है और एक Q ये है, ये छोटा है Q दे रखा है और ये बड़ा Q। डिस्टेंस हमने निकाली L/√3, तो ये हो जाएगा L/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L²/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा आपका, तो 3/4 πε₀ Q³/L²। ठीक, ये बच्चों हमारे पास आया कौन सा? F1 वाला। और इसकी दिशा भी हमें पता जो कि है आपकी AO दिशा में। ठीक, इसी टाइप से इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं F2 और F3, क्योंकि हमें सब चीज पता है, क्योंकि इनका परिमाण एक जैसा है आवेशों का, तो बल एक समान ही आने वाला है। तो हमें यही वाला बल जो यहाँ आया 3/4 πε₀, 3/4 πε₀ Q³/L²। ठीक है, ये एक स्थिति हो गई। अब हमारे पास परिणामी बल अब हमें निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों का परिणामी बल हम निकालेंगे, F2 और F3 का। F2 और F3 का परिणामी बल इनके कटान बिंदु से होकर जाएगा, यानी कि ये जो आवेश है ये आपका, इनका परिणामी बल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब हमें इनके बीच के कोण भी पता होने चाहिए कि इनके बीच के कोण क्या है। अगर आप देखें ये पूरा 60 डिग्री है, आधा आधा करेंगे 30-30 हो जाएगा, ये 90 है ये भी 90 है। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है आपका 60 90, सॉरी 30 होगा छोटा वाला एंगल, तो 30 ये हो गया। तो अब ये कितना एंगल हो जाएगा, ये हो गया 60 और ये हो गया 60। तो विद्यार्थी ये 60 60 120 है, तो ये भी आपका 120 वाला, ये 120 होगा ये एंगल भी। ठीक, तो अब हमारे पास जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री का है। वो तो परिणामी बल निकालना है।
तो एफ टू और एफ थ्री इक्वल हैं, तो दोनों में से किसी एक को लिख दो, एफ टू स्क्वायर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए और बी का तो दोनों हो जाएगा एक जैसा है, तो स्क्वायर कोस 120। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया टू एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ टू स्क्वायर कोस 120 की वैल्यू हो गई माइनस 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो टू एफ टू स्क्वायर माइनस एफ टू, तो ये क्या आ गया यहाँ पर एफ टू स्क्वायर तो इज इक्वल्स टू आ गया आपका एफ टू। अब जो एफ टू आ गया है, क्योंकि एफ वन एफ टू दोनों क्या है आप सॉरी हाँ एफ टू एफ थ्री दोनों ही इक्वल हैं, और इनके एफ वन एफ टू एफ थ्री तीनों ही इक्वल हैं क्योंकि इनके परिणाम क्या हैं समान है। हमें ये याद होना चाहिए कि जो एफ वन है जो एफ टू हैं और जो एफ थ्री हैं उन तीनों के परिणाम क्या हैं एक समान है, और एक समान है तो यही लिख देंगे क्या जाएगा 3/4 पाई एस्पाइलन नॉट क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर। ठीक, ये आपका परिणामी बल आया, तो इसको कोई नाम दे दें अपन, मान लो एफ ए दे दिया। अब एफ थ्री एफ वन का मान हमारे पास यही है जो किसका आया एफ टू और एफ थ्री का परिणाम भी बल आया, और चूंकि दोनों की दिशाएं अगर अपन ध्यान से देखें तो दोनों की दिशाएं क्या हैं एफ वन और ये जो परिणामी बल हैं जिसको अपन एफ ए बोल रहे हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो बिंदु क्यू पर परिणामी बल तो क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एफ वन, और दोनों एक जैसे हैं तो क्या हो जाना है भैया माइनस होके जीरो हो जाए। ये कैंसल और ये टोटल आपका आ गया जीरो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो है आपका एनसीईआरटी का 1.6 वाला। ठीक है, इस पे भी चर्चा करते हैं। इसके भी प्रत्येक बिंदु पर आपको क्या निकालना है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है और सभी आवेश आपको दे रखे क्यू क्यू और माइनस क्यू, विचार करना है और आवेश पर प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है ये अपन को निकालना है। सामान्य प्रोसेस अगर देखें तो ये धन क्यू आवेश है और ये भी धन क्यू आवेश है, तो इस ए पर अगर अपन चर्चा करें तो इस धन क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा इस पर लगेगा इधर तो एफ वन टू, और इस दूसरे पर पहले के कारण लगेगा तो एफ टू वन लगेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से इस पर माइनस क्यू और इस पर प्लस क्यू है, तो इस बिंदु पर जब हम निकालेंगे तो इसकी वजह से इस पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा तो F31 लगेगा। सेम इस A पर इसके कारण निकालेंगे तो किधर लगेगा F13, वो उसे अपनी तरफ बुलाएगा। सेम प्रोसेस इसके अंदर भी होगी 32 में और 23 में। ठीक, ये आप आसानी से कर सकते हैं। आप ये ध्यान दें कि किसी भी बिंदु एक पर आप जो निकालेंगे चाहे A पर निकाले चाहे B पर निकाले चाहे C पर निकाले, ठीक है, तो A और B पर इन दोनों पर चर्चा करेंगे अगर परिणामी बल की तो एक जैसा आने वाला है, केवल C पर अलग आएगा। ठीक है, यहां पर इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएंगे इक्वल आएंगे, जो कि आपको यहां पहले से लिख दिया है कि F1 F2 इज इक्वल टू जो आ रहा है वो F आएगा क्योंकि दोनों पर आवेशों के मान समान है। ठीक, परंतु यहां और दूरी भी समान है पर यहां जैसे कि थोड़ा सा अलग हो जाएगा मामला। ठीक है, तो चलो इस पर चर्चा करते हैं, पहले इस बिंदु पर और इस बिंदु पर चर्चा कर ले, क्योंकि यहां कोण यहां बी ए और बी पर कोण भी समान है दूरी भी समान है आवेश भी समान, पर सी पर दूरी अलग अलग हो गई है। ठीक है, और कोण भी आपका बदल गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं। देखते हैं कि एक चित्र में एक समबाहु त्रिभुज आपको दिख रहा होगा और उस पर आवेश है क्यू क्यू माइनस क्यू, इस पर विचार कीजिए प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है ये निकालना। सबसे पहले एक बात थोड़ी सी समझ लें,
फिर अपन चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो किस दिशा में लगेगा, तो ये दिशाएं तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आती हैं, इसका अपन साइड में हल करके देखते हैं। इसी समबाहु त्रिभुज को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये समबाहु त्रिभुज मैंने यहाँ बना दिया, ठीक। अब आप ये देखें कि जहां पर यहां आपका आवेश है माइनस क्यू और यहां आपका आवेश है प्लस, अब अगर मैं इस बिंदु पे निकालूं तो इसके कारण इस पर बल लगेगा, तो ये बल इसको इधर लगेगा, यानी कि वो इसे बुलाएगा। और चूंकि इसमें ऐसे नाम दिए गए ए बी सी, तो इसको तीसरे नंबर का बोल रहे हैं, तो तीसरे नंबर वाला आवेश पहले नंबर वाले आवेश, पहले नंबर आवेश के लिए, पहले नंबर वाले आवेश के कारण तीसरे नंबर वाले आवेश पर लगने वाला बल, तो तीसरे पर पहले के कारण लगने वाला बल इधर हो जाएगा। अगर यही चर्चा पहले पे करेंगे तो पहला वाला उस दूसरे वाले को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ये बल जो लगेगा F13, यानी इस पर इसके कारण, ठीक है, यानी पहले पर तीसरे के कारण, तो तीसरा वाला यूं खींचेगा, पहले वाला यूं खींचेगा। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें तो यहां पर भी धन क्यों है, धन धन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो ये इसे इधर धक्का लगाएगा, और पहले पर कौन धक्का लगा रहा है, दूसरा लगा रहा है। इसी प्रकार से जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये दूसरे पर पहला बल लगा देगा, जब इसकी चर्चा करेंगे तो इस पर जो आकर्षण बल लगेगा तो दूसरे पर तीसरे वाला लगाएगा, ठीक। ये स्थिति हो गई, यहां पर ये दो तीन सूचनाएं हमने दे दी। अब इस F12 और इस F13, अच्छा एक और इधर भी रह गया, तो ये जो माइनस क्यू है इस पर प्लस क्यू बल लगाएगा, किधर, आकर्षण प्रकृति का लगाएगा, कौन लगाएगा, तीसरे पे दूसरा लगाएगा। ये वाली कहानी जो आपको यहाँ पहले से बता रही, इन दोनों का परिणामी बल इनके बीच में से यानी कटान बिंदु से होकर निकलेगा, इसको अपन पहले पर F1 दे रहे हैं, इन दोनों के यहाँ से कटान से निकलेगा इसको F2 दे रहे हैं, और इन दोनों के कटान से निकल रहे हैं यहाँ पर इसको F3 दे रहे हैं। देखो कितना आसान है, ठीक, ये परिणाम बल निकाल लिए। एक और बात ध्यान देनी है कि इन सब की दूरियां L है, ठीक। अब यहाँ इसके और इसके बीच यहाँ जो कोण बन रहा है, ये अगर 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, ठीक, ये अंदर वाला 60 है तो ये बाहर वाला 120 डिग्री होगा, यानी कि अब देखो यहां पर कोण भी बराबर, दूरी भी बराबर, सब चीजें बराबर। इसका मतलब इस बिंदु पर जो परिणामी बल है, यानी कि जो F1 वाला है और जो F2 वाला है, दोनों का परिणामी बल क्या होगा, इक्वल होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। पर ये वाला अपन को अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोण फिर कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, क्योंकि यहाँ 120 लेके हल करना है। तो चलो किसी एक को निकाल लेंगे F1 या F2 में से, भी अपना काम बन जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा ही अपन ये वाले की करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग F12 निकालते हैं, ठीक, या फिर आप F13 निकालो, दोनों ही परिस्थिति में परिणामी बल समान आएगा, क्योंकि दूरियां इनके बीच की समान है। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2, यानी Q स्क्वायर बाय दूरी हो जाएगी आपकी बच्चों L स्क्वायर। ये दोनों ही चीजें एक ही आने वाली हैं, इसलिए अपन ने डायरेक्टली ये निकाल लिया। फिर बात करें, अगर हम ये जो आपका है F जो है, आपने क्या निकाल लिया, F12 और F13 निकाल लिया, तो अब इसमें तो यही आ गया। अब इसका परिणामी बल निकालना है अपने को, यानी F1 निकालना है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, पर इनके बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री है, तो ए स्क्वायर F12 स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी F12 लिखो F13 की जगह, और 2AB, तो F12 और F12 मिला के F12 स्क्वायर कोस 120, कोस 120 का मान -1 बटा दो, तो F12 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर माइनस 2F12 स्क्वायर 1/2, माइनस कैसे आ गया भाई, ये -1/2 वैल्यू होती है, मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो F12 का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, बच क्या जाएगा, F12 किसके इक्वल आया, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो F1 है वो आ गया 1 बाय
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। इसी टाइप से ये वाला भी अपन निकालेंगे तो ये भी यही आ जाएगा, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो F2 है वो F1 के इक्वल है, यानी कि टोटल हम इनको F मान के चल लें कि F है बराबर है क्या है आपका, वो है 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक, अब हमें तीसरे पर भी निकालना है, इस पर निकालना है तो F31 और F32 की भी वैल्यू वही आनी है 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। F आपका जो है मैंने कहा F31 एंड F32, F31 और F32 की वैल्यू भी वही आनी है 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो कहाँ अंतर आएगा, कहाँ अंतर आएगा, तो परिणामी बल में अंतर आएगा। तो बच्चों जो परिणामी बल हैं वो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ F31 स्क्वायर F32 स्क्वायर प्लस 2F31, ये 32 को भी आप 31 लिखेंगे दोनों इक्वल है, तो ये एक और आएगा यहाँ पर F31 स्क्वायर हो जाएगा, और इनके बीच का एंगल जो मैंने आपको बताया ये कितना है, तो ये cos 6, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 60, cos 60 की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों 1 बाई टू होती है, तो F31 स्क्वायर प्लस F31 स्क्वायर प्लस 2F31 स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू होगी 1 बाई टू, इससे कैंसिल हो गई, एक दो तीन हो गए, तीन आ गए F31 स्क्वायर, तो F31 स्क्वायर को रूट से बाहर लिखेंगे तो रूट थ्री एफ थ्री वन, और इसकी वैल्यू रख देंगे तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रूट थ्री। जो क्वेश्चन था उसके अनुसार हमने चीजें निकाली कि भाई प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो सभी आवेशों पर हमने बल निकाल लिया। प्यारे विद्यार्थियों थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।